नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं किसानों की सफलता की कहानियों की। हमारे देश के कोने कोने में ऐसी प्रतिभाएं उभर रही हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार को अपनाकर अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं। हमारा मकसद होता है कि इन किसानों को एक मंच मिले और आप भी उनके बारे में जान सकें, ताकि आप भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। ये वो किसान हैं जिन्होंने न सिर्फ अपना जीवन संवारा है बल्कि अन्य किसानों को भी नई राह दिखाई है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सफल किसान के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से संबंध रखते हैं, और इनका नाम है रामचरण वर्मा। रामचरण वर्मा ने अपने पिता के खेतों को संवारा है और यहाँ वो केले की खेती कर रहे हैं, वो भी आधुनिक तकनीक से, और आज वो बन गए हैं हमारे सफल किसान। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। भारत की आबादी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि और पशुपालन पर आधारित है, और इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। देश के खाद्यान्न आपूर्ति में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाता है। खाद्य उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, इसलिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि को मेरुदंड कहा जाता है। प्रदेश में कुल रोजगार का 59% कृषि क्षेत्र से मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चावल, ज्वार, जौ और गन्ना की खेती है, इसलिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाराबंकी। बाराबंकी जिले में एक ऐसे सफल किसान रहते हैं जिन्होंने अपनी सोच और काबिलियत के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामचरण वर्मा के बारे में, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। किसान रामचरण वर्मा एक पढ़े लिखे किसान हैं। इनके पिताजी मुख्य रूप से धान गेहूं की खेती किया करते थे, लेकिन किसान रामचरण वर्मा को परंपरागत खेती रास नहीं आई और उन्होंने ठाना कि खेती में कुछ अलग हटके करना है। बहुत शोध करने के बाद उन्होंने केले की खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने आधे एकड़ के खेत से केले की खेती की शुरुआत की। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जो केले की खेती है, वैसे हमारे पिताजी धान गेहूं की खेती करते थे। हमने महाराष्ट्र देखा, तमिलनाडु देखा, फिर हमारे मन में बात आई कि जो केले के किसान हैं वो थोड़े धनी किसान हैं। फिर हमने 1986 में आधा एकड़ केला लगाया, फिर कुछ फ़ायदा हुआ, फिर हमने एक एकड़ केला लगाया, फिर धीरे धीरे हम लगाते गए। 1990 में टिशू कल्चर आया, फिर हमने टिशू कल्चर केले की खेती शुरू की, और आज हम करीब जो केले की खेती है वो 150 एकड़ पर केले की खेती कर रहे हैं। अब टिशू कल्चर की खेती हमने इसलिए, एक तो हमको फ़ायदेमंद लगी, जैसे जो परंपरागत खेती धान गेहूं चावल की खेती है वो एकड़ में हमको 50,000 से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकती है, लेकिन जो हमारी केले की खेती है वो हमको 1.5 से 2 लाख रुपया प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ दे रही है। 14 महीने की फसल है। हम चाहे गन्ना की बात करें, गेहूं की बात करें या चावल की बात करें, कोई भी क्राप आज की डेट में हमको इतना ज़्यादा फायदा नहीं दे सकती है, इसलिए केला हम। केले की फसल मुख्य रूप से 14 महीने की होती है। अगर केले की खेती सूझबूझ के साथ की जाए तो बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। किसान रामचरण बताते हैं कि केले की खेती में फल प्राप्त करने के बाद बेकार पौधों का भी उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जा सकता है। केले के तने और पत्तियों का भी उपयोग कर फसल को उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे बनी खाद फसल के लिए बेहद उपयोगी मानी जाती है और इससे उपज भी अच्छी मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि केले की खेती से अतिरिक्त लाभ कैसे हो रहा है। प्राकृतिक आपदा से बहुत सुरक्षित है। प्राकृतिक आपदा के जैसे आप कहिए, इसमें कोई बीमारी नहीं है, और ये बरसात में, ये जिसको हम जुलाई में लगाते हैं, 14 महीने की फसल है, इसमें मेहनत की बहुत कम है। जो हमारी सॉयल है
उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। यदि हम केला काट करके गेहूँ लगाते हैं, आलू लगाते हैं, तो हम कोई खाद नहीं देते हैं। पिछले साल हमने केला 100 एकड़ काट करके 100 एकड़ गेहूँ लगाया, हमने जीरो फर्टिलाइज़र दी, मतलब कोई खाद नहीं दी, फिर भी हमारी जो गेहूँ की उपज है 20 से 25 कुंटल आई। आज जो केले की खेती है, हम चुने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हमारा गन्ने के लिए जाना जाता था, गन्ने वाले किसान इसको बहुत अच्छी तरीके से पहले कर रहे हैं, पहले हम शुरू किए, फिर हमारे पास के गांव वालों ने शुरू किया, फिर पास के पूरा हमारा ज़िला शुरू किया, आसपास के ज़िला शुरू किए, आसपास के जो जनपद हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं, केले की खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुजफ्फर बलिया से मुजफ्फरनगर तक केले की खेती हो रही है। पारंपरिक खेती से हटकर अगर केले की खेती की जाए तो बम्पर कमाई होती है। किसान रामशरण वर्मा ने अपनी सूझबूझ के साथ केले की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इन्होंने आधे एकड़ से केले की खेती शुरू की, जो अब करीब 150 एकड़ में फैल चुकी है। रामशरण वर्मा को केले की खेती से काफी लाभ हो रहा है, क्योंकि वो टिश्यू कल्चर को अपना रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या है टिश्यू कल्चर, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एब्सोल्यूट। मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो से आनी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लेंडिंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे आप? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से संबंध रखने वाले, केला की खेती करने वाले रामशरण वर्मा से। आइए आप जानते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक को अपनाकर उन्होंने केले की खेती को आगे बढ़ाया। खास तौर पर टिश्यू कल्चर के लिए वो अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे केले की खेती करें टिश्यू कल्चर को अपनाकर। किसानों के लिए केले की खेती फायदे का सौदा माना जाता है। इस वजह से बीते कुछ वर्षों में किसानों का रुझान इस तरफ बढ़ा है। कुछ किसान ज्यादा फायदा लेने के लिए टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे की केले की खेती करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे से केले की खेती किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी है। लेकिन विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो किसान टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों से केले की खेती करना चाहते हैं, उन्हें इसके बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, तभी वो इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। अगर वो सही जानकारी के आधार पर केले की खेती नहीं करते हैं, तो उन्हें आने वाले दिनों में फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमारे सफल किसान रामशरण वर्मा ने विशेषज्ञों से मिली सही जानकारी के साथ ही टिश्यू कल्चर से खेती की शुरुआत की। अब ये भी जान लेते हैं कि हमारे किसान रामशरण को कैसे टिश्यू कल्चर से हुई खेती से लाभ पहुंच रहा है। जो टिश्यू कल्चर है, पहले हम शक्कर से खेती करते थे, अब हम टिश्यू कल्चर खेती कर रहे हैं। ये बताना चाहेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर हमने क्यों चुना। टिश्यू कल्चर ये है, किसी स्वस्थ पेड़ से एक हम शक्कर से लेते हैं, उसको लैब में ले जाते हैं, फिर उसके सेल को हम डेवलपमेंट करते हैं, और एक शक्कर से, एक केले की शक्कर से हम 500 पौधे तैयार करते हैं। वो एक जैसे होते हैं, एक जैसे उसमें जीन्स होते हैं, एक जैसी क्वालिटी होती है, एक समय से होते हैं, तो जब उनको हम और तेज़ी से चलते हैं, जहाँ पुत्ती वाला केला है, पहले हमारा पूरा भारत पुत्ती के यानी केले की पुत्ती से खेती करता था। ये जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी 1990 में आई, हमने शुरू किया, तो टिश्यू कल्चर जो तकनीक है, इसमें पौधे हमारे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, और जैसे हम पेड़ से पौधे लेते हैं, जैसे हमने लिया एक पेड़ से कि जिस पेड़ में 50 किलो की बंच है,
40 किलो की बंच है केले की घार, और 20 से 25 सेंटीमीटर के केला है उसी हम का सिलेक्शन करते हैं। वैसे हमारे पौधे तैयार तो एक साथ होते हैं, जहां पुत्ती केला 15 महीने में होता है ये 12 महीने में तैयार हो जाता है। और दूसरी बात है, इसका उत्पादन भी 20 से 25% ज़्यादा है। केले को फल और सब्जी दोनों तरीके से उपयोग किया जाता है। केले स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माने जाते हैं। केले में आयरन और फोलेट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह एनीमिया को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। केले एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटिन, विटामिन ए और कैरोटीनॉइड से भरपूर होते हैं, जो आंखों की रोशनी में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। रामचरण वर्मा केले की खेती में कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा वो आधुनिक तकनीक को भी अपना रहे हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की वैरायटी को भी अपनाकर काफ़ी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं केले की कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसे आप अपना सकते हैं। केले की जो वैरायटी हम लगा रखे हैं G9 वैरायटी है। वैसे केले की तो बहुत सारी वैरायटी हैं, रोबस्टा है, G9 है, ड्वार्फ कैवेंडिश है और विलियम्स है, और हमने रेड बनाना भी लगा रखा है और दूसरा हमने इलायची केला भी लगा रखा। लेकिन यह व्यावसायिक स्तर पर देखा जाए तो जो लगा हुआ है ये सबसे अच्छी G9 वैरायटी है। जो हमारी G9 वैरायटी है ये उपज अच्छी है, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। यदि पूरे हम विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा G9 लोग पसंद करते हैं, G9 खाते हैं, उसी ने हमने इसको विकसित किया है। और इसी वैरायटी को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो 50,000 किसान हैं हमारे G9 वैरायटी के फॉलोअर हैं, 1,00,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती हो रही है। केला एक ऐसा फल है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए फायदेमंद माना जाता है। इसलिए केले की खेती हमेशा मुनाफा देने वाली खेती मानी जाती है। ऐसे में किसान अगर सही किस्म का केला लगाएं तो उन्हें बढ़िया कमाई हो सकती है। केले की अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को उसको सही समय पर खेती और अच्छी किस्मों का चयन करना बेहद जरूरी है। इसकी कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें न कीट लगते हैं और ना ही रोग होता है। इन किस्मों की खेती से किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे रामचरण वर्मा फसल चक्र को भी अपना रहे हैं और इससे भी उन्हें काफी लाभ हो रहा है। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज हम बात कर रहे हैं केले की खेती करने वाले रामचरण वर्मा की, जो कि केले की खेती के साथ फसल चक्र को भी अपना रहे हैं। उन्हें इसका अच्छा अनुभव है जिससे उन्हें काफ़ी लाभ भी हो रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है और अच्छा उत्पादन भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। इससे अन्य किसान भी सीख ले रहे हैं।
भारत की जलवायु और मौसम में केला इतना घुल मिल गया है कि इसकी खेती यहाँ अत्यंत सफलतापूर्वक की जाती है। अधिक सहिष्णु होने के कारण केले की सफल खेती अनेक प्रकार की मिट्टी और जलवायु में की जा सकती है, लेकिन केले की खेती के लिए फसल चक्र भी मायने रखता है। फसल चक्र का मतलब होता है कि किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाने के कारण कम उपज प्राप्त होती है तथा भूमि की उर्वरता खराब होती है, जिससे बचाव होता है। फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। हाँ, फसल चक्र हमारा तो एक मेन एजेंडा है या मेन किसानों को बताते हैं कि फसल चक्र, हालांकि ये फसल चक्र कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, पहले भी चलती थी, लेकिन बीच में किसानों को थोड़ा इससे हट गए। हम फसल चक्र कर रहे हैं, फसल चक्र से हम ये बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों के फसल चक्र से क्या लाभ है। फसल चक्र जैसे हम केला लगाते हैं, केला काट करके हम गेहूं लगाते हैं तो कोई खाद नहीं डालते हैं और उत्पादन 20 से 25 कुंटल एकड़ का हो रहा है, कहीं फर्टिलाइज़र से कम नहीं हो रहा है। 25 कुंटल हम बगैर फर्टिलाइज़र के केला गेहूं पैदा कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात का। फिर हम केला काट के हम आलू लगाते हैं तो जो हमारी माना किया वैज्ञानिकों द्वारा रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइज़र की, उसके आधा डालते हैं, आलू का हमारा उत्पादन 250 से 300 कुंटल हो रहा है। और आलू खोद करके हम मक्का लगाते हैं तो उसमें कोई खाद नहीं देते हैं। ये फसल चक्र का लाभ है। एक फसल के बाद कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं कि दूसरी फसल लगाते हैं तो हमको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, यदि हम केला काट करके गेहूं लगाते हैं तो उसमें हमको गेहूं काट करके हम केला लगाते हैं तो हमारा 30% केला अधिक पैदा होता है। ये भी फसल चक्र के, अभी तो हम उत्पादन की बात हमने किया, दूसरा फसल चक्र का क्या रोल है। प्राकृतिक, जैसे हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है या किसी किसान के पास 20 एकड़ ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन, तो 1/4 भाग में ही उसको एक फसल करना है। 1/4 भाग में वो केला या फल की खेती करे और उसके 1/4 भाग में सब्जी की खेती करे, 1/4 भाग में गेहूं चावल की खेती करे, 1/4 भाग में वो बागवानी कर सकता है या पशुओं के लिए चारा कर सकता है। तो इसका हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एक फसल में नुकसान होगा तो दूसरी फसल में इसकी पूर्ति हो जाएगी। अभी तक आपने जाना रामचरण वर्मा की कामयाबी के सफर के बारे में। चलिए अब आपको बताते हैं कि केले की खेती में कौन सी बुनियादी बातें हैं जिसका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है अगर आप सफल तरीके से केले की खेती करना चाहते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं। जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। यदि हमारे किसान भाई केले की खेती करना चाहते हैं तो केले के लिए सबसे बड़ी ये जो ज़रूरी हमारी बात है, एक तो ज़मीन ऊसर नहीं होना चाहिए। नहीं, ऊसर का मतलब ये है जिसका ज़मीन का पीएच 6.5 से 7 हो और उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए। जो जल भराव मतलब लो लैंड, कभी कभी हमारी झील की है या तालाब की ज़मीन है या खाली ज़मीन है, उसमें केला नहीं लगाना चाहिए। यानी जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो उसमें हमारे किसान भाई केला लगा सकते हैं। जो केले की वैरायटी है वो G9 है। आज पूरे भारत में कि ये विश्व में जो सबसे लोकप्रिय वैरायटी है वो G9 है। और इसके लिए एक ख़ास बात और ध्यान देना है, जैसे वेदर का, मौसम का, ये 10 डिग्री के नीचे और 40 डिग्री के ऊपर तापमान नहीं होना चाहिए। ये तापमान हमारे उत्तर प्रदेश में मिलता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में है। ज़्यादातर इसके जो माइजर उत्पादक राज्य हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। तो जो हमारा कहना है, उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जलवायु हमारे यहाँ कैसी है और नमीयुक्त का कहने का मतलब ये है हमारा कि 70 से 80% मौसम में नमी होना चाहिए। और अब रही बात इसकी खेती करने की, खेती हम उसी खेत में कर सकते हैं जिसका 6.5 से 7 पीए तापमान हो, लाइन से लाइन दूरी हम 6 फीट रखें और पौध से पौध की दूरी
6 फीट रखें और करीब 1 एकड़ में 1200 पौधे आएंगे। उस पर जो हमारा खर्च आएगा वो 100 से 120 रुपया पौधा एक पेड़ से हमारा खर्च आता है। जो G9 वैरायटी है ये 14 महीने की फसल है। उत्तर प्रदेश में चूँकि जाड़ा होता है इसलिए यहाँ 14 महीने की फसल है। जो हमारे किसान भाई महाराष्ट्र में करते हैं वहाँ ये 12 महीने में तैयार होती है, गुजरात में भी 12 महीने में तैयार होती है, लेकिन तमिलनाडु में 11 महीने में फसल तैयार होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 12 महीने में तैयार, क्योंकि यहाँ पर जाड़ा होता है। सबसे बढ़िया वैरायटी G9 है। यदि हम 1200 पौधे लगाएंगे तो 350 कुंटल उत्पादन होगा और 350 कुंटल आज जो केले की कीमत है ये 4 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है और 5 लाख भी हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में रामसरन वर्मा ने न केवल अपने खेत बल्कि पूरे गांव की खेती की तस्वीर बदली है। आज गांव में उनके अलावा सैकड़ों किसान केले की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रामसरन वर्मा अपनी जिंदगी में खेती के माध्यम से सब कुछ हासिल कर चुके हैं। खेती से अच्छा मुनाफा कमाकर वे आज लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। हम तो अपने देश के किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको जो नेशनल अवार्ड मिले हैं, तमाम उत्पादन के अवार्ड मिले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अन्य किसान भाई ऐसे मेहनत करेंगे और जुनून से मेहनत करेंगे, मेहनत और उत्साह और से खेती करेंगे, तो हमारी तो अपेक्षा यही है कि हमारे हजारों किसान रामसरन वर्मा जैसे बने और हजारों किसानों को ये पद्म अवार्ड है या अन्य पुरस्कार सम्मानित हो तो हमको और बड़ी इससे खुशी होगी। उनके गांव के अलावा दूर दूर से लोग उनसे ट्रेनिंग लेने आते हैं। इतना ही नहीं, आसपास के कॉलेजों के विद्यार्थी जो कृषि विज्ञान से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यहाँ आकर ट्रेनिंग लेते हैं। मैं इस टाइम BSc AG कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह बरदरी से। और जैसा कि जानते हैं कि जैसे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से संबंधित जो जानकारी होती है वो विद्यालय से तो मिलती ही है, साथ ही में अगर कोई खेती से जुड़ी बात जो हम खेत पर ही जानते हैं उससे ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है। खेत के बाद जैसे जो फसल लगाते हैं उसके बारे में क्या पौधों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है वो खेती में देख कर ज़्यादा सीख सकते हैं। हालांकि सीखते तो हम पढ़ाई से भी बहुत कुछ हैं लेकिन पढ़ाई का उतना बेहतर से नहीं समझ पाते हैं जितना कि प्रैक्टिकली तौर पर समझते हैं। खेती के लिए हमेशा खेत को ही देखकर खेती करना चाहिए और जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और जैसा कि हमारे यहाँ गांव में रामचरण वर्मा जी का फार्म है, बहुत सी जानकारी यहाँ से हमें मिलती है खेती करने के लिए, कैसे खेती की जाती है और इसके बाद खेती के बाद मार्केटिंग की समस्या जब आती है गाँव में तो यहाँ पे गांव में रहता है जैसे कम क्षेत्र में या कम एरिया में खेती की जाती है तो मार्केटिंग की हमेशा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं और जो है खेती कैसे करते हैं ये इस चीज़ की जानकारी यहाँ पे देते हैं। रामसरन वर्मा जी आज लोगों के लिए नज़ीर बन रहे हैं। रामसरन वर्मा से खेती के गुर सीखकर आसपास के किसान आज खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रामसरन वर्मा आज एक VIP की तरह लग्जरी जीवन भी जी रहे हैं और मौका पड़ने पर खेत में मजदूरों के साथ घंटों खेतों में जुटकर पसीना भी बहाते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से संबंध रखने वाले रामसरन वर्मा से जो कि केले की खेती करते हैं वो भी आधुनिक तरीके से। इसके अलावा उन्होंने केले की खेती में फसल चक्र को भी अपनाया है जिससे उन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है और अन्य किसान भी उनसे सीख ले रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है saphalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आप भी जानते हैं किसी ऐसे किसान को जिसके बारे में आप हमें जानकारी देना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें ईमेल करें, पत्र लिखें ताकि उसे भी हम एक मंच दे सकें। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त सफल किसान के नए अंक में कुछ सफलता की नई कहानियों के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।